कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने इस इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उसने पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो एक जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि चाहे जो पढ़ लें। नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आँखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विधा आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते जो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहा हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो?
मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण है, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुखती वाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की बस सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भाप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल ला गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है, इतिहास में रावण का हाल पढ़ा हुई होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या योग पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, रावण भूमंडल का स्वामी था,
ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल हो जाने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। अब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं और कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे द्वयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10,00,000 नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब च की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन? दुगुना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी भला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम में हाथ लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह ही कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए,
नहीं, शायद 200 पन्ने लिखवाते हैं। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, वो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझसे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिया जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं इस बार भी पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्रणाम तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन डाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में यह एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता चला जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने की तैयारी करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं,
न ट्राम न गाड़ियाँ, सहसा भाई साहब से मेरी भेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। केवल यह तुम्हारी गलती है, मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझमें और जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आता है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ लें, अम्मा और दादा को हम समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देर न करे, आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक कनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। हमने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ, हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न कर पाते थे, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हैं। तो भाईजान, यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ इसका प्री प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने का मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूँ, खुद
खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य ही तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।